ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करते हैं हमें पता चलता है कि वो कंट्री रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है, यानी कि वो जो एप्लीकेशन है वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में उस कंट्री रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन को हम कैसे डाउनलोड करेंगे? कंट्री रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें अपने प्ले स्टोर को उस कंट्री में चेंज करना होगा जिस कंट्री का वो एप्लीकेशन है। तो प्ले स्टोर में अपने कंट्री को हम कैसे चेंज करेंगे, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने गूगल प्ले स्टोर का कंट्री प्रोफाइल कैसे चेंज करें। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपने फ़ोन में प्ले स्टोर का कंट्री प्रोफाइल चेंज करने के लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको पहले दिखा दूं कि मेरा जो कंट्री प्रोफाइल है वो किस कंट्री का है। तो जैसे मैं यहाँ टॉप चार्ट्स पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ से टॉप थ्री में सिलेक्ट करूंगा टॉप पेड। टॉप पेड पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पाएंगे कि जो भी एप्लीकेशन है यहाँ मुझे परचेज करने के लिए वो रूपी में शो कर रहे हैं। इसका मतलब जो मेरा अभी कंट्री प्रोफाइल है वो इंडिया का है। तो चलिए मैं बैक आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ प्रोफाइल आइकन पर टच करूँगा। प्रोफाइल आइकन में टच करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तो चलिए मैं इसको टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड्स में जाने के बाद आप यहाँ पाएंगे मोर पेमेंट सेटिंग्स। मोर पेमेंट सेटिंग्स पे आप जैसे ही टच करेंगे तो आपको payments.google.com पे लेके जाएगा और यहाँ पे फिर आपको पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो आप ऐड अ पेमेंट मेथड कर दीजिए। मैं यहाँ वो पेमेंट मेथड इनपुट करूंगा, कार्ड नंबर ऐड कर दूंगा, कार्ड होल्डर नेम ऐड करूंगा, लोकेशन से यहाँ मैं अपना कंट्री सिलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे भी मैं हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे एक जेन्युइन एड्रेस की जरूरत पड़ेगी और पेमेंट मेथड की। लेकिन अगर आप इंडिया में ही हैं और चाहते हैं यूएसए की कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिना पेमेंट मेथड ऐड किए हुए तो आप कैसे करेंगे? चलिए मैं उसके लिए इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद मैं ओपन करूंगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद मैं बैक आऊंगा और सर्च करूंगा यहाँ पे वीपीएन के लिए। मैं टर्बो वीपीएन सर्च करूंगा। अगर आप चाहें तो कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। मैं टर्बो वीपीएन यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी यूज़ करने में हैंडी है और साथ ही साथ फ्री है। तो जैसा कि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, अगर आपने नहीं किया तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसे मैं ओपन करूंगा। आप अपने पसंद के कोई भी वीपीएन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टर्बो वीपीएन को पहली बार इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी। वहां से आपको मेन पेज पे चले आना है स्किप करते हुए। मे बी आपको एप्लीकेशन में कुछ एड्स मिलेंगे, लेकिन क्या करें, फ्री में अगर चाहिए तो कुछ तो झेलना पड़ेगा ही। तो चलिए मैं आपको यहां से आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। तो यहां पे मैं टैप करूंगा, ये जो ग्लोब आइकन आपको दिख रहा है उस पे मैं टैप करूंगा और उसके बाद मैं उस कंट्री को सिलेक्ट करूंगा जिस कंट्री का मुझे कंट्री प्रोफाइल चाहिए अपने प्ले स्टोर में। तो मैं यहाँ से यूएसए सिलेक्ट करूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो वीपीएन है वो मेरा कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एड्स मिलेंगे, चलिए मैं एड्स को हटने तक का इंतजार करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वीपीएन है वो यूएस से कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और उसके बाद ध्यान रहे कि प्ले स्टोर को ओपन करने से पहले आपको प्ले स्टोर पे टैप करना है, टैप करके होल्ड करना है। अगर आप पुराने एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से सीधे सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस, और उसके बाद आपको सी ऑल ऐप्स पे टच करना है। सी ऑल ऐप्स पे टच करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए और गूगल प्ले स्टोर को सर्च करिए। तो जैसे यहाँ मेरा गूगल प्ले स्टोर मिला, मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है स्टोरेज एंड कैश मेमोरी और उसके बाद क्लियर स्टोरेज पे टच करना है। क्लियर स्टोरेज पे टच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लियर स्टोरेज करने से आपका कोई भी पर्सनल डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं होने वाला है। ये सिंपली जो गूगल प्ले स्टोर में आपने सर्च करके रखा हुआ है जो कैश फाइल्स हैं वो सारे डिलीट करेगा। आपका कोई भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है या पर्सनल डेटा कोई भी डिलीट नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं सिंपली क्लियर स्टोरेज पे टच करूंगा और उसके बाद यहाँ से ओके करके गूगल प्ले स्टोर की सारी डेटा को डिलीट कर दूंगा। डिलीट होने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और फिर से ओपन करूंगा प्ले स्टोर। मे बी ये थोड़ा टाइम ले सकता है ओपन होने के बाद, क्योंकि जो कैश डेटा हमने क्लियर कर दी है तो मे बी थोड़ा बहुत ये समय ले, तो थोड़ा वेट कर लेना है यहाँ पे। तो जैसा कि मेरा प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कंट्री प्रोफाइल मेरा चेंज हुआ या नहीं। तो चेक करने के लिए जैसा कि मैंने पहले किया था, मैं फिर जाऊँगा टॉप चार्ट्स पे। टॉप चार्ट्स पे जाने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा टॉप फ्री और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा फिर टॉप पेड। टॉप पेड पे सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन करें और यहाँ पाएंगे कि जो प्राइसिंग है इसको परचेस करने के लिए वो डॉलर में शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने कंट्री प्रोफाइल अपना आसानी से चेंज कर लिया है।
अब आप कोई भी एप्लीकेशन जो कि आप डाउनलोड करने जा रहे थे और वो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं था, वो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, तो अब यहाँ से मैं सिंपली इंस्टॉल पर टच करूँगा और इंस्टॉल पर टच करने के बाद ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में कंट्री प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर फिर से आप अपने पुराने कंट्री प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया था मेरा, मैं सिंपली फिर से वही प्रोसेस को दोहराऊंगा। प्ले स्टोर में जाकर उसका जो कैश डेटा है, जो स्टोरेज था, वो मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद अपना VPN को ऑफ कर दूंगा। और VPN को ऑफ करने के बाद मैं जब फिर से प्ले स्टोर को ओपन करूंगा तो मुझे वही अपने पुराने कंट्री प्रोफाइल में मेरा प्ले स्टोर मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में गूगल प्ले स्टोर का कंट्री प्रोफाइल चेंज करके जो भी एप्लीकेशन कंट्री रेस्ट्रिक्टेड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना न भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना न भूलें और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल @avitechi पर भी जाकर फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द ही एक नया ट्यूटोरियल वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।